फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का। सो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू द कोर्ट केस, उसी को डिस्कस करूँगा। सो व्हाट इज़ देयर एग्जैक्टली एंड यहाँ पे एक व्हाट इज़ देयर ऑन द साइट, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो एज सर्कुलेटेड आपको पता होगा डायरी नंबर 4295/2016 जो एम सी सिंगला केस है दैट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन 3 फरवरी 2016 को ये फाइल हुआ है। केस नंबर यू कैन सी SLP No. 5561/2016। अभी इस केस का जो स्टेटस है दैट इज़ पेंडिंग फॉर द फाइनल हियरिंग एंड रूल निसी अपील एडमिटेड हियरिंग एक्सपीडिटेड लिस्टेड ऑन फिक्स्ड मंथ। सो राइट नाउ summer vacations are going on. So as informed by the team of the Singla's case dealing officers from PNB and the Indian Overseas Bank in Honorable Supreme Court, this date may be fixed 5th to 20th of July as per their expectation. So 5 से 20 जुलाई के बीच में ये डेट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलेगी एंड दिस डिले इज ड्यू टू द समर वेकेशंस इन द कोर्ट। सो राइट नाउ दोस्तों समर वेकेशंस चल रही हैं कोर्ट में एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी जो केस है उसमें कोई सुनवाई होने के आसार तो नहीं है। सो रिगार्डिंग द अपील इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल निसी हैज बीन ऑर्डर। सो रूल निसी के रिगार्डिंग मैनी ऑफ द फ्रेंड्स कॉमेंट भी करते हैं, उसी का जो रिप्लाई है इट मीन्स द कोर्ट इज कन्विंस्ड ऑफ अवर राइट टू अपडेशन। नाउ IBA बैंक्स हैव टू शो कोर्स एज टू बाय अपडेशन शुड नॉट बी सैंक्शंड। सो ये रूल निसी एग्जैक्टली क्या बताती है। सो नाउ IBA and banks have to show cause as to why the operation should not be sanctioned only if they give a convincing reply. Arguments will take place. Otherwise, according to the rule NISI, as per the law, else court will give a judgment in our favor. So, यहाँ पे जो rule NISI की importance है, I think hope आपको यहाँ पे understand हो चुकी होगी. So, let's see July 1st week. Maybe we have a hearing in this case. So till then, stay tuned to the channel. Bye bye. Take care all.